अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खैर से हों। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत इजी है बनाने में और बहुत डिलीशियस है। क्योंकि बड़ी दाने वाली है तो जाहिर सी बात है कि इस किस्म की रेसिपीज़ और इस किस्म की डिशेज़ लाजमी बननी है, दावतें भी होंगी, तो क्यों ना कुछ ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो बहुत झटपट बन जाए और बहुत ईजी हो, जिसमें बहुत सारा टाइम ना लगे। चलें बढ़ते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। तो हमने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है, आप यहाँ पर मटन भी ले सकते हैं। उसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 2 प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने कट करके रख लिया था, और मैं इसमें 2 ही टमाटर ऐड करूँगी। चलें जी, ये मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर साबित भी गार्लिक डाल सकते हैं, जो कि बाद में बहुत अच्छी तरह कुक होके मैश हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर उसका पेस्ट डाला है। और अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा उसमें मिर्चें ऐड कर लें, अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो उसको कम कर लें, और नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। चलें, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने छोड़ दूंगी। जी, आधे घंटे के बाद अब मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये देखें, पानी इसमें ड्राई हो चुका है और गोश्त तकरीबन गल चुका है। तो मैंने यहाँ पर वैसे बीफ जो है वो बोनलेस लिया था, सिर्फ एक बोन है इसके अंदर बड़ी सी। आप जो है बोन के साथ वाला भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किस किस्म का लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें अब आधा कप दही का ऐड कर दूंगी। चलिए जी, ये हमने इसमें दही ऐड कर दी है। दही को आपने फेंट लेना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की फुटकड़ियाँ ना रहें। चलें जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको इतना भूनना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और साइड से ये ऑयल निकल आए। अब मैंने भून लेने के बाद अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अच्छी तरह से अब इसे मिक्स कर लेते हैं, और ये देखें साइड से ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया, बट अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। तो इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। चलें जी, ये देखें अब ये ऑलमोस्ट डन है, और अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। चलें जी, हमने ये देखें प्लेट आउट कर लिए। ये इतनी इजी और ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपको इसके पास बिल्कुल भी स्टक होके नहीं रुकना पड़ेगा। आप अपने गेस्ट को भी टाइम दे सकते हैं और साथ में अपना खाना भी बना सकते हैं इजीली। तो आप इसको बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मैं आपसे मज़ीद भी ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी आपसे अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर कर सकूं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।